हेलो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल फलसफा जिंदगी का मैं आपके बीच लेके आया हूँ अपने दो दोस्तों वरुण और जाह्नवी को, जो कि सिर्फ 21 वर्ष के हैं और इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल मामला मानसिकता का शुरू किया। उसके विषय में इनसे बात करेंगे और इनकी जनरेशन विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर क्या सोचती है उस विषय में इनसे बात करेंगे। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं वरुण आपसे। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो आपका यूट्यूब चैनल है मामला मानसिकता का, वो कैसे शुरू हुआ और उसमें हमने किन मुद्दों पे बात की? जी, हमने एक चैनल शुरू किया मामला मानसिकता का। हमारा मेन मोल ही होता है, जैसा उसका नाम बताता है, मामला मानसिकता का। वो एक चैनल नहीं, वो एक एजेंडा था, वो एक सोच थी जो हमें बाकी युवाओं तक भी पहुंचानी थी। हमें अक्सर देखा है कि एक चैप्टर होता है बच्चों की 9th क्लास में, रिप्रोडक्शन चैप्टर, अक्सर वो स्किप करा दिया जाता है। और वो स्किप करा दिया जाता है तब तक वो ठीक है, पर वो जब जैसे ही स्किप करा दिया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है बच्चे के माइंड में कि मुझसे ये क्यों छुपाया जा रहा है। जैसे उसे छुपाया जाता है, उसे लगता है कि मुझे ये जानना है, उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, पर उससे बात करने के लिए कोई रहता नहीं है और उस मुद्दे पर बात नहीं होती है। आगे चल के यही छोटी छोटी बातें जो हमें ग्रास रूट लेवल पर नहीं बताई जाती, वो एक बड़ा रूप ले लेती है। अच्छा, ठीक है। तो जानवी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने जब ये चैनल शुरू किया मामला मानसिकता का, तो इसमें आपने शुरुआत में कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए? सर, हमने सबसे पहले इसमें जो टॉपिक लिया था वो था मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स के बारे में। अक्सर ये होता है, ये ऐसा टॉपिक है जिसपे हर कोई खुल के बात नहीं करता है। अगर स्कूल में भी इसके बारे में हमें बताते हैं तो क्या करते हैं, लड़कियों को अलग ले जाते हैं और इसके बारे में समझाया जाता है। तो उस टाइम जो लड़के रहते हैं उनके दिमाग में भी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है कि अरे ये कैसी बातें है जो लड़कियों से सिर्फ बताई जा रही और हमसे नहीं। हम देखते हैं कि अगर हम किसी स्टोर पे भी जाते हैं पैड्स खरीदने, तो वहां पर देखते हैं कि जो पैड्स हैं उसको ब्लैक पॉलिथीन में कवर करके देते हैं। मतलब ऐसी क्या चीज है जिसको आपको कवर करना। हम लोग बैग में अगर स्कूल में पैड्स रख के आते हैं, रख के लेके आते हैं, तो भी ये बोला जाता है कि इसे अंदर छुपा के रखे ताकि कोई लड़का ना देख ले कि आपके बैग में पैड है। जब आपने ये बनाया था और इस टॉपिक को आपने लिया, तो आपका अनुभव कैसा रहा? आपने जो लोगों से बातें की और अपने चैनल में इसको शेयर किया, तो इस वीडियो को बनाने में कोई परेशानी है या आराम से बन गया? नहीं, परेशानी तो बहुत आई। सबसे पहले तो हमने जिन लोगों को रोका, वो हमें देखते से ही जैसे ही वो टॉपिक का नाम सुनते वो भाग जा रहे थे। मतलब सीधे बिना कुछ बोले कि नहीं नहीं माइक हटा दो हमारे पास से, और हम इसके बारे में बोलना नहीं चाहता। अगर कुछ बोलते भी थे तो बोलते थे हमारा फेस ब्लर कर दीजिए। मतलब हम ये देख के शॉक हो गए थे कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनकी भी मानसिकता ये है कि वो इतने नॉर्मल से चीज के बारे में बोलने में घबरा रहे हैं। जबकि हम देखते हैं कि मेल और फीमेल की एनाटॉमी जो रहती है वो शुरू से आखिरी तक उनके साथ जाती है, मरते दम तक। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, हमें बहुत ही नॉर्मल तरीके से रखना चाहिए, उसको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। एनाटॉमी जानने का सबका हक है, तब तो वो अपनी बॉडी को बीमारियों से बचा पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। और एक स्वस्थ जो बच्चा है वही तो स्वस्थ नागरिक बनता है। और वो सही कह रहे हैं। और आप लोगों ने फिर इसके बाद एक टॉपिक मेरे ख्याल से एलजीबीटी पे लिया, एलजीबीटी, तो उसका अनुभव कैसा? इसका अनुभव ऐसा रहा कि हम जब भी एलजीबीटी वर्ड का यूज ही करते थे, तो लोगों के मन में एक मतलब मुस्कान नहीं कहूंगा, हंसी वाली सार्केज्म मतलब हो जाता था कि इस पर ये बात क्यों कर रहे हैं। और मुझे हमेशा उस वक्त ये लगता था कि इनका ही तो दिमाग ही विकसित नहीं है, ये उस तरह से इनका सोशलाइजेशन ही नहीं हो पाया, ये उस स्तर तक ही नहीं पहुंच पाए कि ये ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट करने की भावना रखी है। सही है, सही कहना आपका। तो नॉर्मली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने भी जो देखा है कि जैसे एलजीबीटी वर्ड आता है या लेस्बियंस या गे की बातें आती हैं, तो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका थोड़ा डर जाता है। ऐसा लगता है कि मैं इन बातों पे कुछ बोलूंगा तो मेरे आसपास के लोग इन बातों को सुनेंगे, तो वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे, क्या राय बना लेंगे। अगर आपसे कोई चैनल वाला आता और आपसे इस बारे में पूछता कि एलजीबीटी राइट्स के बारे में आप क्या सोचते, तो आप क्या कहते? मैं ये कहता कि मैं एक ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट करना चाहूंगा, जैसे कि मेल है फीमेल है, वैसे एलजीबीटीक्यू है एक तीसरा है, उसको मैं न्याय दिलाना चाहूंगा, एक न्याय की भावना रखना चाहूंगा, जो न्याय उन लोगों के साथ टाइम टू टाइम नहीं हो पा रहा है। हमने बॉलीवुड में देखा है कैसे स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, छक्के जैसे वर्ड का यूज किया जाता है और उन्हें अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके डिमीन किया जाता है, डिजेनरेट किया जाता है, उन्हें उनकी उन्हें एज ए ह्यूमन ट्रीट नहीं किया जाता। सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है और उन पर बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता है। और सही सही कह रहे हैं। मैं जानवी आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स का आप लोगों ने बनाया मामला मानसिकता का आपके चैनल पे, ज्यादातर जो टॉपिक्स आपने उठाए, और जैसा कि आपने कहा कि मामला मानसिकता में आप उन विषयों पर बात करना चाहती हैं जिसको सोसाइटी में वर्जित बता दिया गया है, तो इसका रीजन आप क्या सोचते हो कि इसका क्या रीजन है कि जो आपकी जनरेशन के ज्यादातर, मैं कहूँगा शायद 50-60%
लोग चाहे आपकी जनरेशन की और हमारी जनरेशन में तो शायद 70, तो ये इतनी बड़ी जनसंख्या इन विषयों पर बात करने से क्यों घबराती है, इसके क्या कारण? मुझे लगता है कि जो एक अगर बच्चा छोटा रहता है तो बचपन से ही ना उसे ये चीजें छुपाई जाती है, घर में इसके बारे में खुल के बात नहीं करा जाता, स्कूल में इसके बारे में बात नहीं होती, तो जैसे जैसे अगर कोई हम चीज छुपाते हैं तो हमारे मन में लगता है कि अगर ऐसी क्या बात हो रही है जो छुपाई जा रही है, तो वो इस बारे में बोलने से घबराते हैं। यहाँ तक कि जब मैंने ये मुद्दे रखे थे तो मुझे इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करके ये पूछ रहे थे कि तुम इस मुद्दे पे क्यों बात कर रही हो, क्या कहीं तुम तो लेस्बियन या लेस्बियन तो नहीं हो? तो मतलब अब ऐसा टाइम आ गया कि हमें अगर किसी चीज में बात भी कर ली तो हमको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा नहीं हम स्ट्रेट है तो भी हम इस बारे में बात कर सकते, जबकि ऐसा होता नहीं, कोई भी किसी भी विषय पे बात रख सकता है, भले वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कोई भी कलर हो, हमें कभी भी किसी को इंफीरियर ट्रीट नहीं करना चाहिए इन बातों को लेकर। मतलब आपका कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी स्तर पे नहीं होना चाहिए, चाहे वो कास्ट का हो, चाहे क्रीड का हो, चाहे जेंडर का हो। तो आपका है कि आप सिर्फ इसलिए इस मुद्दे पे हैं क्योंकि आप इनजस्टिस नहीं चाहते, आप सेंस ऑफ जस्टिस को सोसाइटी में लाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इस एजेंडा को लेकर आगे बढ़ रहे हो और लोग ये चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि इनका हिडन एजेंडा क्या है। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ? हाँ जी, मेरे साथ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमने ये टॉपिक उठाया तब कुछ टाइम हुआ तो लोगों ने मुझसे कहा कि ठीक है ये तो लड़कियों के मुद्दे हैं, लड़कियों की बातें हैं, तुम्हें इसमें क्या एजेंडा है, तुम तो एक मेल हो ना, हो ना मन ये देखो। अच्छा अच्छा, हो कि नहीं, ये जानना चाह। जब भी मैंने स्टोरी डाली या प्रमोट किया, हमने एक फोटो भी डाली थी इंस्टाग्राम पर जिसमें मैं पैड पकड़ा था, तो उस पर पॉजिटिव कमेंट्स तो आए कुछ लोगों के, पर कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी आए जिसमें लोगों ने सवाल पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मुझे उनसे बस इतना कहना है कि लाइक वो एक, हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी में रहते हैं। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि किस स्तर तक सोसाइटी मेल शॉविनिस्ट हो चुकी है। तो मैं तो इस पे बस इतना कहना चाहूंगा, जो इंग्लिश में एक कोट है कि व्हाटएवर जस्टिफाइज यू एज अ मैन Is how you treat a woman. क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही, बट बिल्कुल सही है कि कोई भी समाज किस तरह से औरतों को ट्रीट करता है उससे ये पता लगता है कि उस समाज का बौद्धिक स्तर क्या है। बहुत बढ़िया, एक इसलिए आपने बात निकाली है तो मैं आपसे जानने लेना चाहूंगा। अभी रिसेंटली एक मुद्दा उठा है कि एक बुल्ली बाई ऐप करके एक ऐप गेड पे डाउनलोड हुआ और उसमें मुस्लिम महिलाओं को ऑक्शन कर रहे थे, तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? वो लगभग आपकी जनरेशन के हैं, नीरज विश्नोई जिन्होंने बनाया और जो गिरफ्तार किए, आपका क्या सोचना है? मेरा ये सोचना है इस बात में कि जो हम उन बच्चों को देखते हैं उनकी उम्र कितनी होगी, 22-23 साल, वो ऐसा भी नहीं कि अनएजुकेटेड है, वो सब लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब IIT है, इंजीनियरिंग करी है। अगर हम देख रहे हैं आज का भविष्य का किस और जा रहा है, मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो महिलाओं को एक ऐसा देख रहे हैं कि जो ये मेल डोमिनेट सोसाइटी है और महिलाओं को दबा रहे हैं, उनका खुलेआम ऑक्शन कर रहे हैं, और ये भी वो लोग कर रहे हैं जो कि पढ़े लिखे। तो हम इससे ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी कितनी नीचे स्तर पे जा रही है, जबकि आने वाला टाइम ऐसा हो रहा है कि सारे हम देखें कि देश कितने आगे निकल रहे हैं, और अगर हम अपने देश को ऐसा दिखाएंगे सबके सामने तो हमारा देख रहे, इसी वजह से हमारा टूरिज्म भी आजकल बहुत कम होता जा रहा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। इवन एडवाइजरीज जारी होती हैं विदेशों में कि भारत महिलाओं के लिए सेफ कंट्री नहीं है, तो आप वहाँ यात्रा ना करना, इससे हमारा टूरिज्म बहुत इनवर्सली इफेक्ट हो। तो वरुण, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप आज के जो युवा हैं, जो आपकी उम्र के हैं, आपकी जनरेशन के हैं या आपसे पीछे आने वाली जनरेशन में हैं, उनको क्या आपका मैसेज होगा आज के समय में? मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आपके पास जिंदगी है तो जिंदगी में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मनी, टाइम और अटेंशन। अब हम एक टीनेजर लाइफ है या हम 20-25 साल, हमें बस उतनी एम्पल मनी नहीं रहती, हम कोई बिलियनर्स नहीं है, बट टाइम और अटेंशन हम अपना पूरा दे सकते हैं। अगर हम अपना टाइम और अटेंशन सही चीज पे देंगे, सही राह पे देंगे, तो मनी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और अगर हम अपने टाइम और अटेंशन डाइवर्टेड हो जाएंगे, करप्टेड रखेंगे, तो मनी का तो कोई सोर्स रहेगा नहीं। और अक्सर हमने ऐसा देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसी टूल को इस्तेमाल करती हैं, जो टाइम और अटेंशन छोटे युवाओं का लेके उन्हें कार्यकर्ता बनाती है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमें लाइफ की पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता बनना है, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी का। आप कह रहे हैं कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंस्ट्रूमेंट के रूप में आज के युवा को यूज कर लेती हैं, सिर्फ अपने कुछ ये वादे दिखा के या उनको किसी भी चीज तरह से मोल्ड करके रिलीजन या कास्ट में, उसको ना करें और लाइफ का कार्यकर्ता बने। तो लाइफ का कार्यकर्ता ऐसे बने कि वो अपने कैरियर को शेप दें अटेंशन और मनी के। बहुत सही चीज आपने कही। अब मैं जानवी आपसे कहना चाहूंगा कि आप आज के इस जो आपकी जनरेशन की महिलाएं हैं या फीमेल हैं या मेल हैं जो आपकी जनरेशन है, उस
को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगी कि एक बात प्रचलित है, अगर माइंड इज लाइक अ बलून, तो जितना आप उसे खोलेंगे वो उतना विकसित होगा। अगर आपसे कोई कोई बात बता रहा है, आप उसे सुनिए, हर तरह की बात सुनिए, लेकिन अगर आपको किसी चीज पे एक्शन लेना है तो पहले उसके प्रोस और कॉन्स दोनों देखिए। आप एक जज की भूमिका निभाइए, किसी भी चीज को जज करने से पहले आप खुद एक जज बनिए, क्या ये सही है, इसकी गलत चीजें क्या है। किसी एक विचारधारा पे अड़े मत रहिए। अच्छा, दोनों बातें सुनिए, दोनों बातें सुनिए। मैं और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और फ्यूचर में आप लोगों को बहुत सफलता मिले, ये मेरी कामना है। तो मैं आपसे जानकी लास्ट में अंतिम में ये जानना चाहूँगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हमारे फ्यूचर में यही प्लान है कि हम एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं जिसमें लोग अपनी विचारधाराएं स्पष्ट कर सकें, क्योंकि जो बात ना वो घर पे बता सकते हैं, ना अपने दोस्तों से बता सकते हैं, ना वो स्कूल में कर सकते हैं, वो विचारधारा वो हमारे उस प्लेटफॉर्म पे आके स्पष्ट करें। हम आने वाले कुछ और टॉपिक्स भी कवर करेंगे जो कि बहुत प्रचलित है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, ऐसे यूथ के टॉपिक हम उस पर लाना चाहेंगे, ताकि हमारा जो यूथ है वो सही डायरेक्शन में जाए, उनका सिविक सेंस बढ़े और वो एक अच्छे पाथ को फॉलो कर सके और सही नागरिक बने। और सही नागरिक। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण ओझानवी, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।